पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी इस वक्त मंडी में है, जयराम ठाकुर के परिवार से उन्होंने बात की। पुनीत, अब धीरे धीरे 3 घंटे होने को आ रहे हैं, किस तरह का जोश, किस तरह का उत्साह मतदाता में पा रहे हैं आप? देखिए, जाहिर तौर पर जैसे जैसे धूप खिल रही है, मतदाता भी घर से बाहर आ रहे हैं, और इस वक्त आप देखें तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो आपको नजर आएंगी यहाँ पर कतार में अच्छे यहाँ पर। और यह है कि एक साथ काफी लंबी लाइन नहीं है, लेकिन क्योंकि हिमाचल का जिस तरह से माहौल रहता है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वोट डाल कर आए हैं महिलाएं हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपने वोट डाला है, अभी एक बार अपनी उंगली दिखाएंगे आप, ये आप देख सकते हैं इन्होंने ये वोट डाल कर आए हैं। क्या सोचकर इस पर वोट दिया आपने? कि हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यही चीज है, राम ठाकुर, यही सोच के। बदलाव या विकास को नाम? विकास के नाम पर, विकास के नाम पर। तो विकास के नाम पर ये भी वोट डाल कर आए, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सर, वोट डाला है आपने अभी, क्या सोचकर इस पर वोट? बस विकास के नाम पर वोट डाला है, जो यहाँ पर सीएम साहब ने जो काम किए उस नाम पर वोट डाला। 5 साल में कितना बदलाव देख रहे हैं आप यहाँ पे? बदलाव दिन रात, दिन रात बदलाव। अच्छा, इस बार एक देखने को मिला कि राहुल गांधी यहाँ पर हिमाचल दौरे पर एक बार भी नहीं आए, जबकि बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज जो थे, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, राहुल गांधी नहीं आए, असर पड़ेगा क्या? उसका असर कुछ नहीं पड़ता है, जहाँ जाता राहुल गांधी वहाँ कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी का नाम पप्पू रखा हुआ है, पप्पू का काम ये है। तो आगे बात करते हैं, आपने वोट डाल दिया सर, क्या सोचकर इस पर वोट, क्या जहन में क्या था इस बार? तो वही कि हिमाचल प्रदेश के विकास को निरंतर आगे बढ़ाना है, जो विकास की प्रक्रिया चल रही है उसको हम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे जी। तो कितना बदलाव देख रहे हैं 5 साल के अंदर, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे बदलाव? तो खासकर अगर मैं इस क्षेत्र की बात करता हूँ, सराज विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, सराज विधानसभा क्षेत्र के लोग तो सौभाग्यशाली है कि जिनको मुख्यमंत्री मिला, और सराज विधानसभा क्षेत्र में जो विकास इन 5 सालों में हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं कि आज की इसमें तो सराज विधानसभा क्षेत्र आज से 30 वर्ष एडवांस हो गया, अदरवाइज 30 वर्ष पीछे होता। और महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए, आप वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो क्या सोचकर इस पर वोट डालने के लिए आप निकले घर से? यही कि हमारी जो पार्टी भी जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी, वो आ जाए बस। बदलाव या विकास को? बदलाव विकास दोनों। अच्छा, हाँ जी। सीएम साहब ने बोला कि इस बार सरकार नहीं रिवाज बदलना है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ रिवाज बदलना है, सही सोच है, अब ज्यादा पॉलिटिक्स का उनको सही आइडिया है, वही बुझाने अब सीएम साहब, तो उनके सपोर्टर है। आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या इस बार क्या आपके दिमाग में है कि किस हिसाब से वोट डालना है, क्या जहन में रहेगा? हमें ऐसा है, उसने बहुत काम किया है, बहुत विकास किया है, इसलिए हमें वोट डालना, जिसने विकास किया इसीलिए हम वोट डाला। विकास के नाम पे वोट डालेंगे? हम विकास के नाम, और जयराम नाम के, सब दोनों के। आप उनकी बिल्कुल, तो एक बड़ी संख्या वोटर्स की ऐसी है सिराज, जो मुख्यमंत्री का ग्रेट क्षेत्र है पुनीत, हम समझ सकते हैं वहां पर लोगों का ये कहना है कि विकास बहुत हुआ है मंडी क्षेत्र में, खासतौर से वो कह रहे हैं कि ऐसे में विकास को देखकर उन्होंने वोट डाला है। अब देखना ये होगा, क्योंकि ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी खासतौर पर बात करें उसमें, चलिए मंडी को भी इंक्लूड करें तो 10 वहां पे सीटें हैं, उसके अलावा कांगड़ा 15 है, तो ये बहुत डिसाइडिंग होता है। शिमला में 8 सीटें हैं, यानी इधर के जो मतदाता है वो किसके पक्ष में जाते। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।